Hello guys, good morning. Welcome back once again to our YouTube channel and welcome to just another day in our life, in our new home. So, आज का व्लॉग में आप लोग देखेंगे जस्ट अनदर डे, रैंडम डे इन आवर लाइफ इन एंड आज एक चीज़ करना है, दैट इज़ कैमरा जो है, टापो कैमरा एक जो था हमारा पहले का, जो 360 डिग्री घूमता है, जो पिछले घर में भी था और यहाँ पे भी लेके आए, बट उसको इंस्टॉल नहीं किया वो, और एक कैमरा हमने बाहर जो हमारा एंट्रेंस है उसके लिए, और एक कैमरा टापो का, वो दोनों हम आज इंस्टॉल करवाएंगे। तो यही होगा आज का दिन, देखिए क्या करते हैं पूरा दिन, एंड आई होप आप लोग अच्छा लगे। अभी डिम्पी सुबह का वॉक लेने जाएगी, इसीलिए रेडी कर रहे हैं पापा। ये उसका पुप स्कूप। ये है डिम्पी जो एकदम वेट कर रही है कब उसका चेन लगेगा और ये जाएगी, और अभी इसका चेन निकलेगा। में से बहुत किसी ने बोला है कि डिम्पी को ये नीज़ में क्या हुआ है, लेकिन ये उसको बचपन से ही है। लेकिन अभी हम डॉक्टर के पास गए थे, आप लोगों ने भी रेफ़र किया था कि बेटाडाइन लगाने के लिए, तो कल डॉक्टर ने बोला कि ये बेटाडाइन से वॉश करवाने के लिए, उसके बाद ये एक पाउडर दिया है वो लगाने के लिए, उसके बाद फिर ये ऑइंटमेंट लगाने के लिए, फिर वो ठीक हो जाएगा। ये पूरा ड्रॉअर डिम्पी का सामान है, सब उसका सामान है। ये वो, ये उसका चादर है, इसका बॉल है, चेन है, ब्रश है, खाना है, मेडिसिन है, और आप वो जाएगी पापा इस वे की। सो आज का ब्रेकफास्ट कुछ ऐसा है, बनाना मिल्क शेक। एंड हम जनरली इसको बनाना मिल्क शेक बहुत खाते थे पहले, इस घर में आके बंद हो गया, बट अभी चालू कर रहे हैं। इट्स वेरी हेल्दी एंड पेट भर जाता है, अच्छा ब्रेकफास्ट होता है। बट हम थोड़ा आइस के साथ पीते थे, बट अभी ठंडी का मौसम चालू हो रहा है, आई थिंक थोड़ा ठंडा है इधर, तो आइस अवॉइड कर रहे हैं। तो नॉर्मल आइस अभी मिल्क शेक बनाना के साथ पियेंगे, मस्त ब्रेकफास्ट हमारा। हम थोड़ा सत्तू मिलाते इसके साथ, थोड़ा हेवी हो ब्रेकफास्ट, थोड़ा हेवी होना चाहिए इसके लिए। आप लोगों ने जैसे सजेस्ट किया था कि बेटाडाइन से थोड़ा वॉश कराने के लिए,
तो वही डॉक्टर ने वही बोला कि कॉटन से बेटोडाइन ऐसे लगाने के लिए, तो हम पहले कॉटन से ऐसे बेटोडाइन को लगा रहे हैं, फिर उसको बोले कि थोड़ा सूख जाने, सूखने देने के लिए, तो वो थोड़ा सूख रहा है। वैसे मैंने इस पैर में ऑलरेडी किया है, लगा के फिर सूखा के फिर उसमें ये जो पाउडर है ये लगा देने के लिए, तो वही किया, उसको सूखा के फिर वो पाउडर लगा रही हूँ, इसको भी थोड़ा सूख जाए फिर मैं उसमें पाउडर लगा दूँगी। और एक ऑइंटमेंट है जो मैं रात को लगा रही हूँ। अभी हम लोग नहा लिए हैं, तीनों नहा चुके हैं, मैं लास्ट नहाता हूँ हमेशा, तो अभी दो बज रहा है, गंदगी मचाते हो हमेशा, अभी दो बज रहा है एंड फटाफट हम लोग लंच करेंगे। आज लंच में क्या है? आज ये प्रॉन्स, प्रॉन्स, ओके। और हाँ, मिष्टी दो ही लाए थे फ्रॉम मिष्टी हब उस दिन, वो अभी भी है, वो भी खाएंगे। और दाल है, साग है, प्रॉन्स। सो अभी हम लोग का लंच हो गया है, बज रहा है 3:30 ऑलमोस्ट इन दी आफ्टरनून। सो अभी हम लोग का कुछ काम नहीं है, टाइम पास करेंगे। एंड अभी स्पीति के पैर में अभी ये नी ब्रेस मैं फिर से लगा के दूंगा, सारा दिन वही पहन के चलेगी आज। तो अभी थोड़ा टीवी देखेंगे एंड नेटफ्लिक्स में काफ़ी सारा नया नया सीरीज आ रहा है, जैसे कि उस दिन कौन सा देख रहे थे, उस दिन की ब्रीदिंग करके एक था, आरन नॉक था, ये सब देख रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ना वो लाल सिंह चड्ढा मूवी में, बहुत अच्छा लगा। पर इट्स अ फ्लॉप मूवी, रीमेक बहुत अच्छा। एंड अभी कौन सा देखेंगे, ये एक सीरीज है कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज, ये रिसेंटली बहुत सुंदर और ट्रेंडिंग है, ये माई हमने देख लिया है, शी का फर्स्ट सीजन देखा है एंड पता नहीं क्या है, ये सारे बहुत सारे सीरीज है, स्ट्रेंजर थिंग्स देखना बाकी है, तो देर आर लॉट मैनी सीरीज, सब कुछ देख रहा है बट कब खत्म करेंगे पता नहीं। अब तो तुम चले जाओगे, मैं अकेले देखूंगी। हाँ, इसके पास बहुत सारे फैसिलिटीज रहेगा, नेटफ्लिक्स रहेगा, अमेजोन प्राइम वीडियो रहेगा, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं रहेगा। तुम्हारे पास उतना बड़ा जहाज जो रहेगा, दैट इज नॉट अ फैसिलिटी, जहाँ पे तुम्हें एक अलग रोल प्ले करना होगा इस बार। तो
ठंडी पड़ रही है एंड ठंडी पड़ रही है बंगाली ठंड पड़ रही है और बंगाली ठंडी पड़ रही है पटना चालू এটা কাটবে না কিন্তু লগে দেবে ঠান্ডি পড় রই হ্যায় चिल करते करते हम सो गए थोड़ा सा। और ये सिर्फ आज के लिए नहीं, हर रोज कौन सा सीरीज देखना है ये डिसाइड होता है आधा घंटा से। सीरीज चला के बैठे बैठे देखना होता है आधा घंटा, फिर आधा लेटते फिर आधा लेटते, इसी सोफा में दोनों लेटते हैं, फिर आधा घंटा में सो जाते हैं और हो गया हमारा नेटफ्लिक्स एक्चुअल। बट सीरीज काफी इंटरेस्टिंग ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि बीच बीच में अचानक आवाज आ रहा था। मैं जल्दी सो जाती हूँ, पहले रात को सुबह थिएटर में हो घर पे हो मूवी चलाओ तो मैं सो जाती हूँ। आज मैंने सोचा कि मैं नहीं सोऊंगी, आई वाज स्ट्रगलिंग एंड नॉट स्लीपिंग, अच्छा इंटरेस्टिंग भी था। अचानक देख रही हूँ कि बहुत हिल रहा है, पीछे घूम के देखती हूँ पीछे मुड़ के सो रहा है, ऐसा भी देखते सो रहा है। हाँ बहुत तेज तगड़ा नींद आ रहा था आज, मतलब पता नहीं क्यों। अच्छा अभी 6 बज रहा है, विल रिज्यूम दिस सीरीज अगेन, बट उससे पहले थोड़ा चाय शाय पीते हैं। Hey guys, अभी 7 बज रहा है इन द इवनिंग एंड हम लोग रिज्यूम किए थे कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट एपिसोड 3 के बाद उतना कुछ खास लगा नहीं, चलिए बंद कर लिया, थोड़ा सा बोरिंग हो रहा था एंड मे बी उसके बाद वाला एपिसोड इंटरेस्टिंग होगा, बट ठीक है बाद में देखेंगे। बट एक चीज़ बताना था, दैट इज़ दोपहर को जब मैंने बोला कि आज जल्दी सो जाएंगे तो स्पीति कैसे देख रही थी, तो क्यों पता है, बिकॉज कि आज हम लोगों का एक मूवी देखने का प्लान था लेट नाइट, कंटारा मूवी कि बहुत पॉपुलर हो गया है अभी एंड वो आज लेट नाइट शो देखने वाले थे हम और एक फैमिली जो उस दिन आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाए थे। सो हम लोग दोनों का जाने का प्लान था, दो फैमिलीज़ का, रात को 9:30 बजे का शो था, बट अनफॉर्चुनेटली भाभी को थोड़ा पैर में दिक्कत आ गया है, मतलब उनका दिक्कत था ही बट वो थोड़ा सीवियर हो गया है, तो वो डॉक्टर के पास गए हैं, वी डोंट नो येट क्या हुआ है, बाद तो पता चलेगा, पता करेंगे, बट एज ऑफ नाउ मूवी प्लान इज कैंसल्ड। सो ये था बुरा न्यूज़ एंड एक गुड न्यूज़ है, दैट इज वो है हमारा कैमरा, वो गुड न्यूज़ है कुछ, मतलब तो good, क्या है, कुछ तो गुड दिखाना है। तो दैट इज़ आवर ओल्ड कैमरा टीपी लिंक का, जो हम लोग पूजा के टाइम यहाँ पे वहाँ पे रख के जाते थे क्योंकि वो इंस्टॉल नहीं था उस टाइम, आप लोगों को याद होगा, तो आज उसको वहाँ पे फाइनली इंस्टॉल कर दिए। एंड एक और कैमरा हम इंस्टॉल किया है बाहर, वो मैं अभी दिखा तो आपको मेन डोर के बाहर, तो दोनों कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग करेगा, एक घर के अंदर एक घर के बाहर, तो यही पार्ट रिक्वायर्ड है बिकॉज डिम्पी को अगर जब छोड़ के जाते तो उसको मॉनिटरिंग करना ज़रूरी होता है एंड मैं अभी चला जाऊँगा कुछ दिनों में, सो बाहर का एक विजिलेंस ज़रूरी समझा मैंने, तो इसीलिए ये दोनों लगा दिया ताकि वी कैन मॉनिटर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सो जस्ट फॉर सेफ्टी यू नो। सो ये दोनों चीज़ें आज किए हैं, अभी आप लोगों को मेन डोर दिखाता हूँ, हम लोग मेन डोर के साथ भी कुछ थोड़ा मॉडिफिकेशन किए हैं, अब देखिए। सो दिस इज़ आवर मेन डोर नाउ एंड यहाँ पे लगा है वो कैमरा,
टीपी लिंक का ये व्यू। एंड यहाँ पे हम एक बुद्धा स्टैचू लगाए हैं, ये हम मेट्रो कैश एंड कैरी से खरीदे थे। एंड इस ये खूबचा बनाए थे हम कि कुछ रखेंगे आइडल, तो दिस इज़ द बेस्ट वी कुड फाइंड। एंड अभी इसको पूरा ग्लास से कवर करेंगे, इसको वो टाइम है थोड़ा सा वो आने में, तो ये रहेगा ऊपर का चीज़। एंड ये तो आप लोगों को पता ही है, एंड दिस इज़ आवर शू रैक। एंड नीचे हम ग्रास लगाए हैं, इसको सेंटर में कर देते। उस दिन मैं गया था चांदनी चौक कुछ काम से, तो ये देखा मैंने बहुत दिन से सोचा था कि ग्रास लगाएंगे बाहर तो मस्त दिखता है थोड़ा सा ग्रास फील, तो ये हम लगा लिए। एंड ऐसे मेन डोर दिखेगा, यू नो इट लुक्स वेरी नाइस फ्रॉम द आउटसाइड। तो जब मेन डोर में घुसेंगे लोग उनका पूरा व्यूज एंड इम्प्रेशन अबाउट द हाउस यू नो बिकम्स नाइस। सो ये है टीपी लिंक टापो ऐप, जिसमें आपको कैमरा का फीड दिखेगा। एंड दिस इज़ आवर लिविंग रूम कैमरा जो पुराना था, ये हमने आज इंस्टॉल किया और इसका फीड अभी आप लोग देख रहे हैं। एंड ये HD क्वालिटी में आता है। एंड दिस इज़ दी आउटडोर कैमरा जो मेन एंट्रेंस में हमने इंस्टॉल किया आज, एंड ये सुंदर ग्रास भी दिख रहा है आप लोगों को। एंड अभी इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है, दैट इज़ आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो विथ मोशन डिटेक्शन एंड पर्सन डिटेक्शन एंड अलॉन्ग विथ टाइम स्टैम्प एंड थंबनेल एंड वो नोटिफिकेशंस के साथ आता है। तो जब भी कोई मोशन डिटेक्ट होता है कैमरा में वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। करेंटली हम उसको सिर्फ नाइट के लिए करके रखे हैं क्योंकि दिन में बहुत नोटिफिकेशन आता है। एंड ये आप मुझे देख रहे हो, इतना देर से जो ब्लॉग कर रहा था उसी का रिकॉर्डिंग आप देख रहे हो। सो ओवरऑल दिस टीपी लिंक कैमरा इज़ ऑसम एंड इसका नोटिफिकेशन एकदम प्रॉम्प्ट आता है जो तुरंत जैसे ही डिटेक्ट होता है। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस फीचर ऑफ टीपी लिंक एंड आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू इंस्टॉल टीपी लिंक कैमराज। 6 hour 7 hour 8 hour 9 4 অনেকটাই করলো আস্তে 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 করলো আবার বলো 5 सो गाइज अभी बज रहा है 8 इन द घड़ी। ए बाबा 8 इन द घड़ी। गाइज आपको इसका ये डायलॉग कैसा लगता है? बहुत अच्छा, 7 इन द घड़ी ये नया डायलॉग है। एंड हम लोग का मूवी का प्लान कैंसिल हो गया था, तो घर बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो अचानक प्लान किए कि अभी थोड़ा निकलते हैं। एंड कहाँ जाएंगे शापुरजी चलते हैं। तो सब डिम्पी में पापा एंड थोड़ा बाजार करना है एंड दही फुचका खाना है। लेट्स गो। हम लोग शाहपुर जी आए और दही फुचका नहीं खाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाउ डू यू फील? सेवेंथ हेवन।
और ये है एलिता गार्डन विस्ता, जो हम बुक किए थे लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन ये बहुत सुंदर है अंदर से, वेरी ब्यूटीफुल। हम लोग जब भी इधर आते हैं नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। निकल रहे हैं टुवर्ड्स घर एंड हम लोग फुचका खाए, दही फुचका खाए, सिंगाड़ा खाए, घुगनी लिए, जलेबी लिए और क्या खाए बस। हाँ, बाजार भी किए तो बहुत अच्छा लग रहा है। सपोर्ट दी सक्सेसफुल, बहुत दिन बाद अभी घर जाएंगे। अभी सिर्फ 9:20 ही हुआ है और रास्ता पूरा खाली है। इधर पूरा अंधेरा खाली, गाइज। सो अभी हम लोग घर वापस आ गए हैं एंड अभी 10:30 बज रहा है इन द नाइट। घर आके फटाफट वेजिटेबल्स वगैरह सब अरेंज कर लिए एंड अभी स्थिति ने किया, मैं थोड़ा व्लॉग एडिट कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ, चल रहा है। एंड 10:30 हो गया है, फटाफट डिनर करेंगे क्योंकि क्यों सपोर्ट जी से फुल, इसीलिए मैंने थोड़ा खाया था क्योंकि डिनर करना ज़रूरी होता है। कुछ का खाना इज नॉट डिनर, सो लेट्स गो एंड हैव द डिनर फटाफट। गाइज अभी हमारा डिनर हो गया है, बज रहा है ऑलमोस्ट 11:30 इन द नाइट एंड हम लोग जो घुगनी लाए थे सपोर्ट जी से उसी से ही रोटी खाए, घुगनी एंड जलेबी। तो अभी काफ़ी पेट भर गया है एंड अभी सोने का टाइम आ गया है एंड अभी फटाफट सो जाएंगे। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप लोग सबको पता है कि स्पीति का नी का कंडीशन कैसा है एंड हम लोग डॉक्टर राजीव रमन से कंसल्ट कर रहे हैं एंड आई होप उसका कंडीशन नी का बेटर हो जाए, वो ठीक हो जाए, आराम से नॉर्मली चल पाए जल्दी। तो लास्ट ब्लॉग में दिखाया था आप लोगों को कि एक्सरसाइजेज कर रही है। इस ब्लॉग में भी आप लोग देखें कि एक्सरसाइजेज जो फिजियोथेरेपी का चल रहा है एंड नी ब्रेस लिया हुआ है एंड आज मैं दिखाऊँगा आप लोगों को द नंबर ऑफ मेडिसिन शी इज़ हैविंग। ये तो बहुत कम है, इससे पहले भी और था। सो इससे पहले डॉक्टर राजीव को दिखाने से पहले जब ब्लड टेस्ट किया था तो उसमें विटामिन डी और विटामिन ई, B12 ये सब कम आया था। तो ये विटामिन ई का टैबलेट है जो डेली खाना पड़ता है, विटामिन D3 का टैबलेट जो वीकली वंस एंड दिस इज Pantoff 40 जो एसिडिटी के लिए है, जो इसके साथ मैंडेटरी है। ये एसिक्लोप्लस ये मेन पेन किलर एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इससे अल्सर फॉर्मेशन का चांसेस होता है इस दवाई से। तो इसके लिए Pantoff 40 देते हैं एंड दिस इज़ द मेन Tendocare Forte जो लिगामेंट विटामिन है, इससे ही जो लिगामेंट टीयर वो हील हो रहा है। दिस इज़ द मेन वन, ये डेली खाना पड़ता है। तो इतने सारे टैबलेट्स और ये बहुत ही गंदा है, इसमें पेट का हालत मेरा एकदम गुड़गुड़ कर दे रहा है। इट्स कॉस्टली एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो चलिए आई होप ये सब दवाई काम कर रहा है एंड विद दिस वी विल एंड टुडेज व्लॉग हियर। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा है हमारा डेली व्लॉगिंग एंड देखते रहिए, वी विल कीप कमिंग विद मोर व्लॉग्स। डिम्पी का भी सोने का टाइम हो गया है, सो लेट्स ऑल गो टू स्लीप। We'll see you in another day, new start. So, good night and take care. See you until then. Stay safe and stay blessed.